ऑल राइट, अब हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है फ्लोट, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं FLT से। इसका बेसिकली ऑपरेशन ये है, ये इंटीजर को, इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करता है। सिंपल, ओके। अगर सपोज आपकी इंटीजर वैल्यू है 5 इन वन ऑफ द डाटा रजिस्टर, लेट्स से D0, तो फ्लोट में ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 5.00, और ये डिपेंड करता है आपको कितने यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए। अगर आपकी वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगी 10.0, अगर 7 है तो 7.0, ओके। सिंपल है। अगर आपको सपोज आपकी वैल्यू किसी सेंसर से आ रही है आपको वैल्यू, ओके, बट आपका फर्दर कैलकुलेशन फ्लोटिंग में है, तो आपको अपनी वैल्यू फ्लोटिंग में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ताकि आपकी कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंटीजर को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो इस इंस्ट्रक्शन से करते हैं। लेट्स सी इसका एक एग्जांपल। यहाँ पे मैं लेता हूँ LDM0 और मैं लेता हूँ फ्लोट, अब सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब आप मेरी HMI स्क्रीन देखो, मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू लिया D14 एंड इंटीजर D0 मैं लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं लेता हूँ D0 एंड डेस्टिनेशन D14। ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे एक फ्लोटिंग डिस्प्ले कराया। अब इसको हम डाउनलोड करते हैं, अब इसको मॉनिटर करते हैं यहाँ पे। अब देखो मेरा D0 में 0 है और D14 में 0 ही है। मैं ऑन करता हूँ तो कुछ नहीं है, 0 का 0.00 ही हुआ। यहाँ पे मैंने डाल दिया 6 और इसको ऑन किया तो 6.0 हो गया, ओके। तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ वो फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एक स्लाइडर बनाया ताकि आपको मैं रियल टाइम वैल्यू कन्वर्ट करके दिखा सकूँ। जैसे मैंने बोला था कि अगर वैल्यू सेंसर से आ रही है, तो मैंने ये एमिट को ऑन किया। सपोज़ कर लो ये D0, मैंने यहाँ पे इसका एक स्लाइडर ले लिया, ये सेंसर से कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, तो जैसे वैल्यू आते रहेंगे ये रियल टाइम में उसको कन्वर्ट करता रहेगा फ्लोट में, ओके। यू कैन सी दैट हियर। तो जो भी वैल्यू है इंटीजर में वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी विद फ्लोटिंग पॉइंट्स, ओके, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था आपका फ्लोट इंस्ट्रक्शन। और जैसे मैंने बोला कि ये इसकी एप्लीकेशन वहीं होगी जहाँ पे आपका कुछ इनपुट आ रहा है सेंसर से आ रहा है, बट उसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है बिकॉज आपको फर्दर इसकी कैलकुलेशंस करनी है। फॉर एग्जांपल PID एप्लीकेशन है, उसमें हमारा इंटीग्रल डेरिवेटिव वैल्यू जनरली फ्लोट में होता है, प्रोपोर्शनल वैल्यू भी कभी कभी हम फ्लोट में ले लेते हैं, बट आपका इनपुट आपका सेट पॉइंट किसी पोटेंशियोमीटर से आ रहा है या किसी सेंसर से आ रहा है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्लोट में ताकि आप कैलकुलेशंस ईजी कर सको, ओके। तो वहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई इंस्ट्रक्शन सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।